नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खाड़ी देशों में शुमार सऊदी अरब और सऊदी का रेगिस्तान। आज भी देखिए बेशुमार गैस के भंडार और तेल के कुओं से गुलजार है। दशकों से इन्हीं चीजों पर मुल्क की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। कहते हैं कि 80 साल पहले सऊदी अरब कुछ भी नहीं था, लेकिन तेल के अकूत भंडारों ने आज इसे विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना दी है। ये बात देखिए किसी से छिपी नहीं है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था तेल पर केंद्रित है, लेकिन तब क्या होगा जब तेल के यही भंडार खत्म हो जाएंगे। इसी सोच के साथ प्रिंस सलमान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 पर काम कर रहे हैं, और आप इसे प्रिंस सलमान की किस्मत कहें या फिर ईश्वरीय शक्ति, खुदाई से प्राचीन मंदिर के निकलते ही सऊदी के हाथ करोड़ों डॉलर का खजाना लगा है। जी हाँ, दरअसल खजाना खत्म होने की खबरों के बीच सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खुद सऊदी सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि बीते दिनों मुल्क के हाथ में करोड़ों डॉलर का खजाना लगा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। खुदाई से निकला 8000 साल पुराना मंदिर, इस्लाम के गढ़ में लगी हिंदू सभ्यता की मोहर, मंदिर के बाद अब हाथ लगा करोड़ों का खजाना, सऊदी को मिला जमीन में दफन करोड़ों डॉलर का खजाना, सऊदी अरब की किस्मत या फिर ईश्वरी कृपा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जैसे बीते दिनों कंपनी आरामको को जाफुरा क्षेत्र में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मिली है, और ये 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के साथ 2 अरब बैलर कंडेंसेंट भी मिला है। जी हाँ, मतलब ये कि जमीन में दफन करोड़ों डॉलर का खजाना निकला है। इसको लेकर अरब के अखबारों का ये कहना है, नवंबर 2023 में भी सऊदी अरब सरकार ने बताया था कि पूर्वी प्रांत में भी प्राकृतिक गैस के 2 क्षेत्रों की खोज की गई थी। प्राकृतिक गैस की खोज अल हिरन और अल मकोको के 2 कुओं में की गई थी। ऊर्जा कंपनी सऊदी आरामको ने 2021 में 10 बिलियन डॉलर के अनुबंध दिए थे, और उस वक्त जाफुरा में पूंजीगत व्यय विकास के पहले 10 सालों में 68 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद थी। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2030 तक शेल गैस के 2 बिलियन मानक क्यूबिक फीट प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है, और इसमें 418 मिलियन SLLDFI ईंधन और लगभग 6,30,000 बैरल प्रतिदिन गैस जैसे पदार्थ होंगे। इससे सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक बन जाएगा। सौबात की एक बात यह है कि देखिए जाफरा क्षेत्र में जो कि सऊदी अरब में है, वहाँ 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलने से सऊदी के हाथ एक तरह से कह सकते हैं कि खजाना लग गया है। और इसके पीछे की वजह देखिए, कई लोग ऐसा मान रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये ईश्वरीय कृपा है, और इसे खुदाई से निकले 8000 साल पुराने मंदिर से भी जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि साल 2022 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खुदाई से 8000 साल पुराना मंदिर निकला था। प्राचीन यज्ञ वेदी मिली थी, और इस बात का सबूत है कि इस्लाम के गढ़ में हिंदू सभ्यता का अस्तित्व रहा है। और इसमें देखिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस खुदाई से निकली यज्ञ वेदी उसी दिशा में है जिस तरफ आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। तो अनेक ऐसे अवशेष भी मिले इनमें जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। और इसी खोज को लेकर देखिए सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग का भी ये कहना था, यहाँ मानव बस्ती के अवशेष और 1807 कब्र मिली है। ये अवशेष बताते हैं कि यहाँ एक समय इंसान रहा करते थे। मंदिर और यज्ञ वेदी हिंदू सभ्यता की पुष्टि करते हैं। अब देखा जाए तो देखिए बीते कुछ सालों में पीएम मोदी की मंदिर नीति ने विश्व शक्ति को, या फिर यूं कहें कि पूरे विश्व को सनातन के करीब लाने की कोशिश की है। आज देखिए खाड़ी देशों में भव्य मंदिरों की नींव रखी जा रही है, मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है, सऊदी अरब की ज़मीन से प्राचीन मंदिर भी निकल रहे हैं, और इतना ही नहीं विश्व पटल पर शेखों की दुनिया सनातन के आगे नतमस्तक भी हो रही है। और शायद यही कारण है कि आज जब सऊदी अरब के हाथ खजाना लगा है तो इसके पीछे भी लोग ईश्वरीय शक्ति बता रहे हैं। हालांकि देखिए खजाने के पीछे ईश्वरीय कृपा है या खुदाई से निकले मंदिर अवशेषों का कोई कनेक्शन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कितनी मिलती हैं और इनमें क्या गहराई है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। साथियों, ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है, और अभी पिछले महीने ही अयोध्या में
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। और अभी मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। ₹140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना हूं।